और प्रश्न सर, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, आप लोगों ने जिंदगी में कभी कलर्स नहीं देखे, तो आप लोगों के माइंड में हमारी परसेप्शन मेरी या किसी भी स्टूडेंट की, वो किस तरह है, कलरफुल है या ब्लैक है, ब्लैक एंड वाइट? हाँ जी, आप पहले। बेटा देखो, नहीं देखा वो एक रियलिटी है, लेकिन इमेजिनेशन तो हर इंसान की होती है। अब हमें इस तरह से बचपन से बताया जाता है कि जो सफ़ेद रंग होता है वो उजला उजला होता है, रोशन होता है, और जो इंसान है उसकी स्किन जो है, स्किन का कलर वो सफ़ेद से थोड़ा सा डल होता है। पाकिस्तानी जो है वो थोड़ा ज़्यादा डल है, अंग्रेज़ का जो है वो ज़्यादा बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे चिट्टा, बहुत ही चिट्टा। ठीक, इसी तरह वालदैन ने हमें ये बताया होगा, जो रेड कलर होता है उसमें लाली होती है, तेज़ रंग होता है, अगर वो बहुत शौक हो तो आंखों में चुभने वाला भी होता है, ऑरेंज एक शेड होता है। तो क्योंकि हमें हर रंग का परसेप्शन हमारे बड़ों ने दिया है, देखा नहीं है लेकिन हम उसे इमेजिन करते हैं अपने ख्याल में। इसी तरह अक्सर लोग पूछते हैं हमसे कि आप ख्वाब कैसे देखते हैं, आप लोग तो ख्वाबों में भी सारे रंग देखते हैं। हम ख्वाब सुनते हैं और ख्वाब को महसूस करते हैं। जी बस कुछ ऐड करना चाहते हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि हमारे माइंड में एक अलग दुनिया है कलर्स की। हम हर चीज़ को इमेजिन करते हैं। अब मेरे माइंड में एक ब्लू कलर है, वाइट है, ब्लैक है, जो हमने थेरी में ये चीज़ें पढ़ी हैं, हमें वालदैन ने बता दी, तो हम उसके मुताबिक अपना एक माइंड में ना स्केच बना लेते हैं। उस स्केच के मुताबिक हम चीज़ों को याद रखते हैं। इवन अब किसी की पर्सनैलिटी के बारे में अगर सुनते हैं, पहली परसेप्शन बनती है वो आवाज़ से बनेगी। किसी की आवाज़ कैसी है, श्रिल है, राउंड है, थिक है, थिन है, इस तरह की हम एक परसेप्शन बना लेंगे। फिर अगर हमें उस शख्स के बारे में कोई बताता है कि जो टॉल हाइटेड है या शॉर्ट हाइटेड है, वो स्लिम है या बल्कि है, तो उसके मुताबिक भी हमारे माइंड में एक स्केच बन जाएगा कि वो देखने में कैसा होगा। तो मुझे लगता है कि शायद एक ऐसी दुनिया है जो शायद हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते, लेकिन स्केच बनता जरूर है। ऐसा नहीं है कि हमारे माइंड में हर चीज ब्लैक है, ब्लैक नहीं है, रंगीन है, लेकिन वो रंग शायद हम एक्सप्लेन ना कर सके। हमारा रंगों का अपना कॉन्सेप्ट है, एक अपनी रंगीन दुनिया है जो ख्यालों में।